नमस्कार, मैं हूँ नीरजा कृष्णा और आज मैं एक बहुत प्यारी सी लघु कथा के साथ उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है अम्मा की खुशी। मेरी कथा सुनिए। आज अम्मा जी बहुत खुश थीं। उनके छोटे बेटा बहू जो आ रहे थे वो दौड़ दौड़ कर समूचे घर की सफाई करवा रही थीं। बड़ी बहू विदिता उनकी इस दौड़ धूप का खूब आनंद ले रही थी। उसे हंसती देखकर वो भी मुस्कुराने लगी और बोली, अरे बहू, पलक और पुष्कर आ रहे हैं, वो भी 2 दिनों के लिए, उन दोनों की पसंद का खाना बनवाना। उनके मन की प्रसन्नता छलकी पड़ रही थी। उनके साथ बांधने के लिए भी खूब चीजें बनवा रही थी। विदिता उनको चिढ़ाते हुए बोली, अम्मा, आज आपकी खुशी तो देखते ही बन रही है ना। वो अपने आप में ही मगन थी और बोली, हाँ री, आज उन दोनों के आने पर मेरा मन तो बल्लियों उछल रहा है, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। विदिता ने तुरंत तुरुप का पत्ता फेंका, मेरे आने पर भी आपको इतनी ही खुशी होती है क्या मम्मी? अम्मा एक बार तो चौंक गईं, पर फिर तुरंत ही संभल कर बोली, ना ना, तू जाती ही कहाँ है जो तेरे आने की खुशी मनाऊं। वो कुछ बोलने को मुंह खोल ही रही थी कि अम्मा जी ने उसे एक धौल जमाते हुए कहा, अरे बहू, तू कहाँ जाएगी, तू तो मेरे दिल में ही बसी रहती है ना। बस मेरी कहानी इतनी ही, शीघ्र ही दूसरी कहानी के साथ उपस्थित होंगी।